हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, थोड़ा टफ है। तो इसमें दिया वे गैंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसकी आपको उसने फोकल लेंथ दे दी है, दैट इज एफ ओ इज 15 मीटर। नाउ द आई पीस जो दिया है वो आपको उसकी फोकल लेंथ दी है आपको 1 सेंटीमीटर, यानी इसको 1 से कन्वर्ट कर लेना इंटू 10^-2 कर लेना। तो आई पीस की फोकल लेंथ आगे 10^-2 मीटर। वट इज द एंकर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, तो ये बड़ा ही सिंपल है, इसको फोफी कह देते हैं, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो दैट इज द सिंपल ऑफ एग्नो फोफी, एफ ओ इज दैट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दैट इज द आई लेंस, दैट इज 1 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लिया तो ये आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गई। इसका दूसरा मैग्नीफाइंग पावर भी होता है, ठीक है। तो जो अगला पार्ट है वही इस क्वेश्चन में मेन की पिन है, जिसके यार डायग्राम जनरली बच्चों को नहीं आता। तो इसने दिया है, इसका डायग्राम ऐसे है, पहले डायग्राम देखते हैं। ये मैंने माना है ये टेलीस्कोप का एक लेंस है, ठीक है। हमने मान लिया ये जो मून है बहुत दूर है, तो करके इसको मैंने छोटा बना दिया है। तो इस मून से जैसे हमने यहाँ से लाइट ली, तो ये लाइट यहाँ से गैदर होती है यहाँ पर आ गई। तो है तो ये मून इन्फिनिटी पे ही है, तो इन्फिनिटी पे है तो मीन्स दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो यानी मैं इसको कह सकता हूँ ये फोकल लेंथ ऑफ हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो हमारी पॉइंट आएगा ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन दिस द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, दिस इज द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून, देखो ये पूरा डायमीटर है क्योंकि ये पूरा मून है, तो ये एक्चुअल मून का डायमीटर है, उसकी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है डायमीटर ऑफ, क्योंकि ये देखो यहाँ से हम बना रहे हैं ये इमेज है। इसका साइज, इसके साइज पे मत जाना डायग्राम के ऊपर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस वन, जो डायमीटर ऑफ मून है 3.48 × 10^6 दिया है। एंड द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। टेलीस्कोप आपका अर्थ पे ही होगा, तो अर्थ से ये जो डिस्टेंस है मून तक का, ये आपको दिया 3.8 × 10^8, ठीक है। तो अभी आपने निकालना क्या है, द इमेज फॉर्म, इसका डायमीटर निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये 3.48 × 10^6 ये पूरा डिस्टेंस है, यानी उसका हाफ डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा। यानी मैं इसको डिवाइड बाई 2 डाल लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो ये 15 मीटर उसकी हमें मालूम ही है, पिछले पार्ट में दी हुई है, दैट इज़ फोकल लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी हम बात करें ये वाला डिस्टेंस, ये 15 मीटर है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई टेंजेंट, ये देखिए ये जो थीटा है एंगल और ये जो एंगल थीटा है, ये दोनों सेम है। तो टेंजेंट थीटा सेम है, ट्रेंजेंट थीटा सेम है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी दोनों के क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो जब ये सेम हो जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2/3 × 10^3.8 × 10^8। 2 नहीं लेना इसमें, इसको पूरे का देखो, दिस इज द परपेंडिकुलर मीन्स दिस डिस्टेंस 3.48 × 10^6 डिवाइड बाई 2। तो मैंने उसको लिख दिया 3.48 × 10^6/2। ये हो हमारा परपेंडिकुलर, ये हो हमारा बेस, दैट इज 3.8 × 10^8, यानी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, ये डिवाइड बाई 2 लिया और ये बेस हो गया। सिमिलरली दिस वन इज द परपेंडिकुलर, दिस इसको मैं एच ले लेता हूँ इस चीज़ को, तो ये एच ले ली है, तो परपेंडिकुलर हमारा एच है और जो हमारा बेस है वो पूरे का पूरा है, दैट इज 15 मीटर। तो इससे जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो ये वाली लेंथ आएगी, लेकिन हमें तो पूरी लेंथ चाहिए, तो इसका डबल कर देंगे। यानी पहले हम एच कैलकुलेट कर लेते हैं, एच के हिसाब से आंसर देंगे। तो एच की जो वैल्यू हमारी, जब ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये जो एच की वैल्यू है, एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.687, ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है, ये सर नहीं करनी है, × 10^-2, ठीक है, दिस इज इन मीटर। और आपने ये हाइट ट्वाइस निकालनी है, तो इसका डबल कर दें मल्टीप्लाइड बाई 2, देन यू गॉट द आंसर, ठीक है। तो क्योंकि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालनी है, तो ये इसका डबल करोगे तो वो आपका आ जाएगा नियरली 13.74 × 10^-2, दैट इज द आंसर 13.74 × 10^-2, ठीक है, 10^-2। तो इसका ना फिगर ही मेन है, ये है आपका, दोबारा से बता दूं, लेंस है और ये आपका कौन है, मून है, ये आपका मून और अर्थ का डिस्टेंस है और ये आपका लेंस और फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, ठीक है। तो वेरी सिंपल कर लीजिए इसको। ओके, थैंक यू, बाय बाय।